साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर नारायण सिंह कृषि जागरण से, और जो आज मैं आपके मध्य जानकारी लेके आया हूँ, खास करके हिमालयी क्षेत्रों में पॉली हाउस के अंतर्गत किसान भाई किस तरीके से फूलों की खेती को कर सकते हैं। जो अभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये इस पॉली हाउस में फूलों की खेती को किया जा रहा है, और जो प्रजाति जिसकी ये खेती हम कर रहे हैं, ये इसको एशियाटिक लीली इसको कहा जाता है, और लीलियम भी इसको कह सकते हैं। और आज से लगभग 2 महीने के बाद इसकी स्टिक्स तैयार होंगी और उसको काट करके फिर मार्केट भेजा जाएगा। बहुत अच्छे प्राइस इसके मार्केट में मिलते हैं, और ख़ास कर करके जो बड़े होटल्स हैं, कॉरपोरेट हाउस हैं, या शादियों के सीजन में लीलियम की काफ़ी मांग रहती है। लीलियम का बेसिकली जो मार्केट है, यहाँ से दिल्ली की मंडी है, और यहाँ से इसको काट करके दिल्ली भेजा जाता है, और कई किसान इससे जुड़े हुए हैं, और ख़ास करके मुक्तेश्वर क्षेत्र में कई किसान इसकी खेती को कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा इससे कमा रहे हैं। साथियों, पॉली हाउस का फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो जल्दी से क्रॉप तैयार होती है, और एक तरीके से समान रूप से फसल तैयार होती है, तो पॉली हाउस एक अच्छा ऑप्शन हिमालयी क्षेत्रों के लिए हो सकता है। इसमें खास करके फूलों की खेती को वृहद स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है। लीलियम के अलावा जरबेरा आदि प्रजातियों की भी खेती आप इसमें कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं कि जिस पॉली हाउस में हम आए हुए हैं, इसमें किसान भाई इसमें अभी पानी डाल रहे हैं, हालांकि इसको अभी मैन्युअली इसमें पानी डाला जा रहा है, तो इसमें आप फॉगर के थ्रू भी पानी डाला जा सकता है। और ये पॉली हाउस पिछले साल ही बनाया गया है, तो आने वाले समय में इसमें फॉगर्स भी लगेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में लीलियम की खेती को इसमें किया जा रहा है, और लगभग 2 महीने के बाद जब ये क्रॉप तैयार हो जाएगी, उसके बाद इसके बल्ब निकाल करके उसको प्रवर्धन के लिए हम बाहर लगा सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए फिर बल्ब तैयार हो जाएंगे। और 2 महीने के बाद इसमें इस पॉली हाउस में फिर सब्जियों की खेती को इसमें किया जाएगा, तो एक प्रकार से साल भर हम इस पॉली हाउस में कुछ ना कुछ ले सकते हैं। तो थोड़ा और क्लोज करके मैं दिखाऊंगा कि लगभग पिछले 15 दिन पहले ये क्रॉप लगाई गई है, और देखिए किस तरीके से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो बहुत अच्छे तरीके से अभी ये बढ़ रहे हैं, और लगभग 2 महीने के बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए ये क्रॉप तैयार हो जाएगी, और उसके बाद इसको फिर काट करके मार्केट किया जाएगा, इसके बल्बों को निकाल लिया जाएगा, और दोबारा इस पॉली हाउस में दूसरी खेती को किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हिमालयी क्षेत्रों में अभी सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत पॉली हाउसों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और इस तरीके के पॉली हाउस लगा करके उसमें बेमौसमी सब्जियां, फूलों की खेती को या अपने पौध बनाने के लिए किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी, और अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ आपसे साझा किया गया जाएगा। धन्यवाद।